नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में शराब का सबसे अच्छा विकल्प नीरा, जिसे तारी भी कहते हैं, वह अब हर्बल शराब के रूप में तैयार की जाएगी। प्रदेश सरकार का यह नया प्रोजेक्ट है, जिसे शराब पीने के शौकीनों के लिए नई पहल कहा जा सकता है। प्रोजेक्ट के तहत बिहार सरकार कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पासी समाज को नीरा तारी बनाने की ट्रेनिंग देगी। यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट के लिए आत्मजीविका NGO से भी संपर्क करेगी, ताकि इलाके में जाकर लोगों को तारी बनाने के तरीके सिखाए जा सके। भारत ने गुरुवार को उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें यूक्रेन में भारत निर्मित तोप के गोले मिलने का दावा किया गया था। भारत की तरफ से कहा गया कि उसने यूरोपीय देश को कोई गोला बारूद नहीं भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने यूक्रेन को न तो तोप के गोले भेजे हैं और न ही उनका निर्यात किया है। शिक्षा विभाग की इजाजत के बिना राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में कोई भी नया बैंक खाता नहीं खुलेगा। नया खाता खोलने से पहले उक्त संस्थान को विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को गुरुवार को दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में अब दो ही बैंक खाते संचालित होंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल के दौरे पर है। दो दिनों के दौरे के पहले दिन जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने कई द्विपक्षीय मुद्दों जैसे व्यापार, आर्थिक संबंध, रक्षा, कृषि और ऊर्जा जैसे अहम विषयों पर बात की। मुलाकात के बाद नेपाली विदेश मंत्री ने कहा कि नागरिकों के हित के लिए भारत सरकार के साथ कई समझौते किए गए हैं। बिहार विधानसभा के शून्यकाल समिति की विभागीय बैठक 8 जनवरी को होगी। बैठक में गृह विभाग से संबंधित लंबे शून्यकाल सूचनाओं पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली जाएगी। बैठक विधानसभा विस्तारित भवन स्थित समिति कक्ष में शाम 3:30 बजे होगी। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में कुल 352 लंबित शून्यकाल सूचनाओं को लेकर जवाब तलब किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन MPSC की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 274 पदों पर बहाली की जाएगी। जो भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे 25 जनवरी तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पटना ने हाउस ऑफ वैरायटी का शुभारंभ हुआ। इसका स्थापना करने वाले सुमन सिन्हा ने गुरुवार को पटना में रिजेंट सिनेमा में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ वैरायटी कला का केंद्र बनने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस स्थल पर एक अत्याधुनिक थिएटर और सिनेमा स्थल है, जिसमें शानदार लेकिन सीमित बैठने की जगह है, जिसमें 49 सीटें हैं। यह सुविधा केंद्रीय रूप से वातानुकूलित, ध्वनि प्रतिरोधी और अत्याधुनिक प्रकाश और ध्वनि प्रणालियों से सुसज्जित है, जो पटना में मनोरंजन स्थलों के लिए एक नया मानक स्थापित करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर 2023 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए इसके ट्रांजैक्शन लिमिट को 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए कर दिया। यह पेमेंट यूजर्स केवल हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों को ही कर पाएंगे। इसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि यह ट्रांजैक्शन लिमिट कब लागू होगी। अब इसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और APS को यह सुविधा 10 जनवरी 2024 से प्रदान करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ौवा विवाह के मामले में पटना हाईकोर्ट के अहम फैसले पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे पूरे नहीं होने के आधार पर शादी को कानूनी तौर पर अमान्य कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हीमा कोहली और अहसादुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इसके साथ ही मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पिछले साल कनाडा के जिस प्रांत में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, वहां अब भारतीयों को सताया जाने लगा है। खुद भारत पर सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। यहां भारतीयों को जबरन वसूली को लेकर फोन किए जा रहे हैं। भारत ने बृहस्पतिवार को उन खबरों को गंभीर चिंता का विषय बताया, जिनमें कहा गया था कि कनाडाई प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में भारतीय समुदाय के कुछ सदस्यों को जबरन वसूली की कॉल की गई है। बेउर जेल के कैदी और बंदे दिन में भजन और बाकी समय फिल्मी गाने सुनेंगे। मिशन विहान के तहत जेल में बंद बंदियों को बाहर निकलने के बाद रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण देने और उनमें सुधार लाने को लेकर रेडियो दोस्ती, कैंडल बनाना, हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण देने का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जेल IG शीर्षत कपिल अशोक, जेल अधीक्षक इंजीनियर जितेंद्र कुमार, कपड़ा मंत्रालय के सहायक निदेशक मुकेश कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद थे। रेडियो दोस्ती के लिए जेल में ही खास तौर से इंतजाम किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड की नई ब्याज दरें तय हो गई है। सरकार ने बता दिया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वाले सरकारी कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2024 के 3 महीने यानी चालू वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही में 7.1% की दर से ब्याज मिलने वाला है। वित्त मंत्रालय ने एक हालिया नोटिफिकेशन में GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड के ब्याज पर निर्णय के बारे में जानकारी दी। नोटिफिकेशन गुरुवार देर शाम में जारी हुआ। खालिस्तानियों ने अमेरिका में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। इस बार कैलिफोर्निया के हेवर्ड में स्थित शेरावाली मंदिर को निशाना बनाया गया है। अमेरिका में 14 दिन के अंदर यह दूसरा मामला सामने आया है, जब खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया है। खालिस्तानियों ने मंदिर को बोर्ड पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द भी लिखे हैं। हमले की जानकारी अमेरिका में हिंदुओं के लिए काम करने वाली संस्था हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने दी है।
केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज करने के बावजूद भारत के सिर से नंबर एक टेस्ट टीम का ताज छिन गया है। जी हां, इस टेस्ट सीरीज से पहले रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट की टीम रैंकिंग में टॉप पर थी, मगर साउथ अफ्रीका दौरे पर एक एक सीरीज से ड्रॉ करने के बाद भारत लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर खिसक गया है। अब नंबर एक टेस्ट टीम का ताज पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिर सज चुका है। दाता न होने पर रक्त के लिए मनमानी कीमत मांगने वाले ब्लड बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सभी राज्यों के औषधि निरीक्षकों को लिखे पत्र में कहा है कि जो भी ब्लड बैंक रक्त के नाम पर मरीजों से लूट मचा रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। नियम के अनुसार अस्पताल या ब्लड बैंक 250 से 1,550 रुपये में प्रति यूनिट रक्त दे सकते हैं। प्लाज्मा व प्लेटलेट्स के लिए 400 रुपये प्रति पैक फीस ली जा सकती है। आमतौर पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले चीन ने हाल के वर्षों में पहली बार भारत का लोहा माना है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा है कि भारत एक आत्मविश्वास से भरा देश है जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में फुडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियाडोंग ने लिखा है कि भारत आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ कूटनीति के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार जाजरकोट में हाल ही में आए भूकंप के बाद नेपाल को और सहायता प्रदान करने के लिए लगभग NPR 1000 करोड़ का वित्तीय सहायता पैकेज प्रदान करेगी। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दी गई है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने एक प्रेस बयान में भी इसका जिक्र किया। इस साल 68 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है जिसमें 9 केंद्रीय मंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के 60 सदस्य शामिल है। संभावना जताई जा रही है कि इनमें से कई सांसद लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र और बिहार में 6-6, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 5-5, कर्नाटक और गुजरात में 4-4, उड़ीसा तेलंगाना केरल और आंध्र प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड और राजस्थान में 2-2, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट शामिल है। मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों के प्रवेश को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 11 राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। NCPCR ने करीब एक साल पहले कार्रवाई की मांग की थी। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद शैक्षणिक संस्थानों को माता पिता की सहमति के बिना बच्चों को किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में सुधार से 2023 में सोने की कीमतें $2,000 के लेवल को भी पार कर गई। ऐसे में इस साल सोने की कीमत 70,000 की नई ऊंचाई की ओर बढ़ने की संभावना है। ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के कारण सोने की कीमतें और बढ़ने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि US फेड मार्च 2024 तक दरों में कटौती शुरू कर देगा। इस वजह से डॉलर और यील्ड में गिरावट आई है। भारतीय रेलवे को माल की ढुलाई से शानदार कमाई हो रही है। आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान पहले 9 महीने यानी अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान भारतीय रेलवे ने 1,154.67 मिलियन टन माल की ढुलाई की। अब पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4.1% ज्यादा है। पिछले वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में रेलवे ने 1,109.38 मिलियन टन माल की ढुलाई की थी। डंकी शाहरुख खान के साल 2023 की तीसरी रिलीज फिल्म है। डंकी के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 29.2 करोड़ से ओपनिंग की थी और इस पहले हफ्ते में इसका कलेक्शन 160.22 करोड़ रहा। वहीं दूसरे हफ्ते में एंट्री के बाद 9वें दिन फिल्म ने 7 करोड़, 10वें दिन 9 करोड़, 11वें दिन 11.5 करोड़, 12वें दिन 9.05 करोड़, 13वें दिन 3.85 करोड़ और 14वें दिन 3.25 करोड़ का कारोबार किया। डंकी ने रिलीज के 15वें दिन 2.65 करोड़ का कलेक्शन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि कतर में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की रिहाई के लिए कानूनी टीम को अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी टीम इस मामले पर काम कर रही है। हम इस मुद्दे पर परिवार और कानूनी टीम के साथ लगातार बात कर रहे हैं। मामले में हर संभव सहयोगात्मक प्रयास किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती मांग की वजह से भारत में पेंगोलिन की तेजी से अवैध शिकार हो रहा है। पिछले 3 दशकों में भारत में 8,603 पेंगोलिन इस अवैध कारोबार की भेंट चढ़े हैं। सबसे अधिक मामले ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सामने आए हैं। दुनिया भर में जितने वन्य जीवों की अवैध तस्करी होती है उनमें 20% की हिस्सेदारी केवल पेंगोलिन की है। यही वजह से इन जीवों को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट में शामिल किया गया है जिनकी आबादी तेजी से कम हो रही है। जल्द ही देश के पहले 3 शहर इंदौर, भोपाल और उदयपुर आर्द्र भूमि वाले शहर होंगे। भारत ने पहले वेटलैंड सिटी एग्रीटेशन के लिए मध्य प्रदेश के 2 और राजस्थान के 1 शहर के नाम का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तीनों शहरों के लिए उनके स्थानीय निकायों की मदद से राज्य वेटलैंड प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर WCA के नामांकन पेश किए हैं। नई नियुक्तियों में इस साल 8.3% वृद्धि की उम्मीद है। सबसे ज्यादा मांग विनिर्माण, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं व बीमा, वाहन, खुदरा और यात्रा क्षेत्र में रहेगी। दिसंबर में करीब 2% सुधार के बाद इस साल भर्तियों में तेजी की उम्मीद है। फाउंडेट की रिपोर्ट के मुताबिक भर्तियों में बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 11% वृद्धि हो सकती है। अर्थव्यवस्था ने 2023 के अंत में एक बदलाव का अनुभव किया। नौकरी बाजार में भी परिवर्तन हुआ जहां नौकरी छोड़ने और भर्ती करने की दर स्थिर रही।
केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग कोर्स के लिए कोचिंग की कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है कि एससी और ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजनाओं की व्यवस्था है। इसमें बताया गया है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है, जिससे वो सार्वजनिक निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरियां पाने के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में शामिल हो सके। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने 8 से 12 जनवरी तक चीन की यात्रा करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह घोषणा की। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के करीबी माने जाने वाले मोइजू ने पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय करीबी मित्र इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराने के बाद मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष में अपने अभियान को आकलन करने और भविष्य के अभियानों के लिए प्रणालियों के डिजाइन के लिए आंकड़े एकत्रित करने के वास्ते एक ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यहां स्थित अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि अभियानों की दक्षता प्रदान करने और केवल पानी का उत्सर्जन करने वाली ये ईंधन सेल अंतरिक्ष में बिजली उत्पादन का भविष्य है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रमुख दिलीप असबे ने बृहस्पतिवार को कहा कि बड़े व्यापारियों को अगले 3 साल में यूपीआई आधारित भुगतान के लिए उचित शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान में एनपीसीआई का पूरा ध्यान नकदी के लिए एक व्यवहारिक भुगतान विकल्प प्रदान करना और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की स्वीकारता को बढ़ाने का केंद्रित है। हमारे तरफ पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रनु गोलू कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, धनंजय कुमार, दीपक कुमार, नौशद राजा, राजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।